देश के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून इस वक्त सक्रिय हो चुका है। अब सक्रिय होने के बाद देखिए लोगों की परेशानी कैसे बढ़ी हुई है। परेशानी इस रूप में कि दिल्ली से लेकर लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी समेत अन्य शहरों, चाहे वो बिहार ही क्यों ना हो, सभी जगहों पर मूसलाधार बारिश, और इस मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में हालात बेहद खराब नजर आते हैं। पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर घटनाओं पर नजर डालेंगे तो बारिश से जुड़ी हुई कई खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश में 12 लोगों की मौत हो गई है, बिहार में भी 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के दौरान वज्रपात की चपेट में आने की वजह से 12 लोगों की मौत हुई है और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक जानकारी भी साझा की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकाशीय बिजली की चपेट में आने वाले लोगों जिनकी जान गई है उन लोगों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आपदा के इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है ये बात भी कही थी। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया था और सीएमओ के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से नालंदा में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वैशाली, भागलपुर, सहरसा, रोहतास, सारण, जमुई, भोजपुर और गोपालगंज में एक एक शख्स की मौत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की कि खराब मौसम में आप बाहर न जाएं, आप उसकी जो निर्देश है उसको फॉलो जरूर करें, उसे जरूर समझें और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जो अलर्ट जारी किया जाता है उसे गंभीरता से लेने की बात कही। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को जब अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्देश दिया तो खराब मौसम के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील भी की। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं उनको अमल में लाने की बात कही गई और घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो 24 घंटे के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो बिहार में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई और ऐसे में अगर यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ और जल जमाव की समस्या को देखते हुए डीएम और नगर निगम और नगर निकाय के अधिकारियों को सतर्कता बरतने की अपील की है, निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में जो घटनाएं हुई हैं प्राकृतिक आपदाओं में 12 लोगों की मौत हो चुकी है जिसकी पुष्टि उनकी तरफ से की जाती है और आकाशीय बिजली से जनपद मैनपुरी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, गोरखपुर में एक एक, अतिवृष्टि से जनपद रायबरेली और मैनपुरी में एक एक तथा डूबने की वजह से बुलंदशहर में, कन्नौज, फिरोजाबाद और उन्नाव और पीलीभीत में एक एक शख्स की मौत हो गई। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है, तस्वीरें आपके सामने ही है, जिसके बाद रविवार को 8 लोगों की और मौत हो जाती है। सरकार की ओर से इसे लेकर एक बुलेटिन भी जारी किया गया था। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में की तरफ से एक बुलेटिन जारी हुआ और धुबरी और नलबाड़ी में 2-2, कछार, गोल पाड़ा, धेमाची और शिवसागर में एक एक शख्स की मौत की जानकारी दी गई। और इस साल अगर बात की जाए तो बाढ़, भूस्खलन और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 तक जा पहुंची है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कुल मिलाकर 28 जिलों के 22,74,289 लोग बाढ़ से प्रभावित नजर आते हैं। 7,54,791 लोग प्रभावित जो हैं उन लोगों के साथ धुबरी में स्थित सर्वाधिक स्थिति जो है वो गंभीर नजर आती है और राज्य में 269 राहत शिविरों में 53,689 लोगों ने अभी इस वक्त आश्रय ले रखा है। तो ये जानकारी इस वक्त आपके सामने है, तो सतर्कता जरूर बरतें, सावधान रहें।